मलिक ऋषि और मैं हूँ उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल अली प्लस बिजनेस आइडिया जुद्दू। बिल्कुल जी। आज दोस्तों फाइनली मेरे से मुलाकात मेरी जो मुलाकात है वो हो चुकी है उस्मान भाई के साथ। काफी देर से मैं एक्साइटेड था कि उस्मान भाई से किस दिन मिलूंगा मैं। आज के दिन 12-13 तारीख हो चुकी है और वो भी मुलाकात पाकिस्तान के उस शहर में के जिसको कहा जाता है सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया। आप लोग इस समय मौजूद है सियालकोट में और हमारा बकायदा मीटअप हो चुका है। अभी कुछ खाने के लिए हम लोग ऊपर जाएंगे, आप होटल देख सकते हैं इस साइड में, और हम लोग ऊपर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। खाने के बाद देखते हैं अभी क्या क्या हमें करना है। यहाँ पे हाजी साहब अवेलेबल है फाइनली। हाजी साहब मेरे टीचर है और UMT इनकी UMT में बहुत ही कमाल की खिदमत है। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट को वहाँ पे कर रहे हैं डील और बाकी जो सिटीज में दीगर उठे जड़ा गर्मी होती है इस तरह पर हम मुंबासा है। मुंबासा के बीच गर्मी होती है लेकिन नैरोबी के बीच पूरा साल ही तकरीबन गर्म होता है। अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते? नहीं, ज्यादातर जिगर का चीज में जाने आने का रहता है। मेरा मन काफी गरीब है। तो उस्मान भाई मुझे ये बताइए ना, यहाँ पे आपने YouTube पे काम कैसे स्टार्ट किया? कहाँ से आइडिया है आपके पास कि यार YouTube पे हम जो है वो स्टार्ट करें कुछ लोगों क्रिएटिव चीज से? मकसद क्या था, प्लान कैसे दिन में आया सारा? असल में मैं YouTube पे देखता रहता था वीडियोस और नेट पे टाइम कुछ ना कुछ वेस्ट करने को मिल जाता था, तो मैंने सोचा कि फिर मैंने कुछ वीडियोस देखी कि यूट्यूब पे भी लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, चैनल बनाए हुए हैं। तो फिर मेरे जहन में भी आया कि यार मैं भी कुछ यूट्यूब पे अपनी बातें सुनाया करूं, अपने मन की बातें जो भी दिल की बातें वो सुनाया करूं। तो मैंने चैनल स्टार्ट किया, उस्मान अशरफ के नाम से ही था वो चैनल। उस्मान अशरफ के नाम से पहला चैनल? पहला चैनल मेरा उस्मान अशरफ के नाम से था। तो उस पर मैंने कुछ इंग्लिश, चूँकि मैं यहाँ से सीख के गया था और इंग्लिश ही सिखाना शुरू कर दी। कुछ टेंसेस, 12 टेंसेस उसका मुकम्मल मैंने कोर्स करवाया। आपने यहाँ से इंग्लिश से स्टार्ट लिया? जी सही है। मैंने इंग्लिश के डाला, फिर मैंने कुछ और भी चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें डालता गया। फिर मैंने कुछ सुन्नतें बताना, यानी नाखून काटने की सुन्नतें और दीगर इस तरह कुछ चीज़ें बताई। आपने स्टार्ट कर दिया? बस हर किस्म की चीज़ें डालता गया। फिर मैंने सोचा कि यार मेरा जो अपना जेन बना हुआ है वो स्टार्टिंग से बिजनेस का है, कि मैंने करना बिजनेस है, जॉब की तरफ मुझे नहीं जाना, बस बिजनेस बिजनेस में करता रहता हूँ। तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं बिजनेस के रिलेटेड ही गुफ्तगू करूँ, क्योंकि जो बंदे का शौक होता है ना उसमें ज़्यादा वो कामयाबी हासिल कर पाता है। तो मेरा शौक अपना बिजनेस के रिलेटेड था, तो फिर मैंने बिजनेस के रिलेटेड कुछ वीडियो डाली, 4-5 वीडियो, लेकिन कोई ना चली। फिर एक वीडियो थी मेरी वो हिट हो गई, वो था ऑस्ट्रिच के ये हिट हुई थी थोड़ी सही। फिर इससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिल गया कि कुछ ना कुछ लोग मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे अभी जो क्या कहते हैं, कितनी देर बाद आपकी पहली जो वीडियो है वो हिट हुई, कितनी देर बाद? असल में पहले तो मैंने चैनल बना के छोड़ दिया ना, यानी कुछ वीडियो जो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश के रिलेटेड जो मैंने डाली वो मैंने डाली, और उसके बाद एक महीना तक तकरीबन साइलेंट रहा हूँ, कोई वीडियो नहीं डालता था क्योंकि देखते नहीं थे लोग, कम सुनते थे। फिर जब वो वीडियो मेरी चली है ना, उसके बाद फिर मैंने दोबारा वीडियो बनानी शुरू की। सही है। और फिर रेगुलरली डालता गया वीडियो, डेली बेस पे डाल देता था एक वीडियो। फिर कुछ ऐसा भी वक्त आया कि फिर मैंने वीडियो डालनी दोबारा बंद कर दी, और किसी वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। तो फिर आपने माशाल्लाह बहुत साथ दिया मेरा, आप बना रहे थे वीडियो। ये आपका आपका ये बड़ा बन था कि आपने मुझे जो अपने चैनल पे आने का मौका दिया और मैंने आपके साथ कुछ अपनी बातें शेयर की। उस्मान भाई नहीं चाहते थे, तो मैंने आपके साथ वीडियो कुछ शेयर की कुछ लोगों के साथ। ये लोगों को भी बड़ा जो है एहसान होता है, लोगों की बड़ी ये जो है बड़ी बात होती है, जिसके पास भी जाते हैं हम लोग वो बड़ी इज्जत के साथ जो है वो हमें डील कर रहा होता है आगे से। यहाँ पे फाइनली हमारा जो सूप है वो आ चुका है और देख सकते हैं अभी सूप जो है हम लोग पी, उसके बाद खाना वगैरह का भी प्रोग्राम है। अभी देखते हैं फाइनली आगे हमको क्या करना है। तो उस्मान भाई से आगे भी मैंने एक दो सवाल करना है, पहले सूप पी लें उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। हमारे भाई साहब, भाई साहब पसंद करते हैं आप सूप को? तो कितना आप पी सकेंगे ये? आप ये थोड़ा ही है? नहीं, मैं तो थोड़ा ही चले ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा आपके साथ खत्म करने की। और यहाँ पे ये केचप वगैरह भी है और साथ क्या कहते हैं यार, ये क्या होता है, सिरका है। और यहाँ पे
एक चीज बड़ी कंफ्यूजन थी मेरे खुद भी सेन में, बड़ी चीजें जो बिगनर्स हमें जो देख रहे हैं अभी जो यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं, जो यूट्यूब पॉलिसीज इनको बिल्कुल नहीं पता होती, एकदम आते हैं चैनल अपना डिलीट करवा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या चीजें हैं जो नए यूट्यूबर को करनी चाहिए? जो नया यूट्यूबर एक यूट्यूब पे आता है और काम करते आके काम यूट्यूब पे कैसे करना चाहिए, एज अ हॉबी करें, एज अ हॉबी करें या फिर एज अ प्रोफेशन करें उसको? मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत सारे यूट्यूब पे जो आ रहे होते हैं न्यू, और वो ये सही यही समझ रहे होते हैं कि हम इधर उधर की वीडियो उठाएंगे और लगा देंगे, इस तरह हमारा चैनल चल जाएगा। लेकिन इसमें चंद वीडियोस तो आपके चल सकती हैं, मसलन आपकी ट्रेंड की वीडियो डाल देते हैं तो वो चल जाएगी, चाहे एक मरतबा उठ जाएगी, लेकिन फिर आप उसमें कोई फनी वीडियो डाल रहे हैं, कोई दूसरी वीडियो डाल रहे हैं, तो इस तरह आपका चैनल थोड़े अर्से के लिए तो चल सकता है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर आप कहें तो इस तरह चैनल आपका नहीं चल सकता। तो यही है कि आप एक टॉपिक को लेके चले, उस पर वीडियो बनाते चले जाएं और एज ए हॉबी उसको लेके एक मशगला अपना बना लें उसे, और क्योंकि एक बंदे को इंटरेस्ट लगा रहता है, क्योंकि हर बंदा चेक करता रहता है इंटरनेट पे, कभी फेसबुक, कभी कुछ, कभी कुछ। अब उसका अपना चैनल होगा तो उसकी तवज्जो जो है वो अपने चैनल की तरफ ही होगी, तो इस तरह उसको लेके चले, जब आगे जाके बढ़ जाए तो फिर जो है अगर जॉब छोड़ के इसको प्रोफेशनल तौर पे लेके चलना है तो फिर उसके बाद लेके चले जबकि उसका चैनल चल चुका हो, क्योंकि बहुत सारे चैनल जो हैं वो स्टार्ट तो किए जाते हैं लेकिन फ्लॉप हो जाते हैं, वो सही मानों में चल नहीं पाते। तो उसकी खातिर अगर हम अपनी पहली जो ऑलरेडी जॉब वगैरह चल रही है वो छोड़ दें, ये अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे जो बिगनर हैं यहाँ पे स्टडी छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग स्टडी छोड़ के यहाँ पे यूट्यूब पे चलाने लगी आगे, पता नहीं क्या ऐसा लगता है जैसे आज यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करेंगे तो मुझे कल ही पेमेंट आ जानी है ये सारी। इवन कि मैंने कुछ बच्चों को भी देखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो यूट्यूब पे लगे हुए हैं, मैं उनकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा हर्ट जा सकता है इस तरह, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज पे भी अगर आ जाए, जैसा कि मेरा चैनल है बिजनेस आइडियाज के रिलेटेड, उस पे भी मैंने देखा है कि बहुत सारे चैनल स्टार्ट हुए हैं लेकिन फ्लॉप हो गए हैं, पाकिस्तान में ही मैंने देखा है। और इसी तरह दीगर भी जो है बहुत सारे चैनल स्टार्ट होते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने स्टार्ट किया हुआ है और वो बाद में पूछते हैं कि भाई आपका चैनल कैसे रन कर गया, हमारे जो है फ्लॉप हो रहे हैं। तो यही है कि कुछ वीडियोस होती हैं जो हिट हो जाती है, मेरे भी चैनल की 3-4 वीडियो थी वो हिट हो गई, तो उसके बाद चैनल चल गया और मेरी बातें लोग सुन लेते हैं, ये लोगों को पता क्यों सुन लेते हैं। बस मैं क्या बता अच्छा यहाँ पे ये बताइएगा कि बड़े लोगों के जहन में कन्फ्यूजन रहती है यार मेरी पहली पेमेंट कब आएगी, कितने मंथ बाद आएगी, क्या सीन होगा, तो पहली पेमेंट जो है उसके लिए कितना सब्र करना पड़ा था आपको? मैं तकरीबन पहले तो छोड़ चुका था, अच्छा इतना कमयूज हो गया था, लेकिन जब मेरी वीडियो हिट हुई तो फिर चलता गया। तो फर्स्ट पेमेंट यानी जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई थी वो जून में स्टार्ट हो चुकी थी, और उसके बाद जुलाई भी गया और अगस्त में शायद मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी। 3-4 मंथ में आपने पहली पेमेंट अपनी गेन कर ली थी, लेकिन तब आपके टाइम में मोनेटाइजेशन वाला है था ना, जब आपने चैनल क्रिएट किया था तब डायरेक्टली आपको मोनेटाइजेशन मिलती, लेकिन यहाँ पे अब 10,000 व्यूज के बाद मोनेटाइजेशन मिलती है जो कि एक नए बिगनर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल। नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया उस वक्त भी यही था कि पहले 10,000 व्यूज पूरे करने पड़ते हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई थी जिस दिन मेरे ये 10,000 व्यूज पूरे हुए थे, 20वां रोजा था इसी रमजान का, 20वां रोजा जब मेरे 10,000 व्यूज पूरे हुए थे, और मैंने एक हदफ रखा था कि अभी चलो 10,000 पूरे हो गए तो मैंने इतने दिनों में 20,000 करने, इस तरह आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में बंदा व्यूज भी गिन रहा होता है कि कितने व्यूज हो गए। सर जब एक सब्सक्राइबर आता है ना, मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंटर मैंने लगाया होता है तो मैं देखता रहता हूँ उस्मान भाई कितने हो गया, मेरे कितने, उसको खिलाफ और दो थे उसके कितने हो गए, यहाँ पे मैं सबका चेक करता रहता हूँ कौन कहाँ पर पहुंचे अभी, कौन कैसे कर रहे हैं, तो मेरी रिसर्च 24 घंटे यही लगी रहती है यूट्यूब पे, लेकिन साथ में अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ना तो किसी चीज़ को स्टक किया, पढ़ाई को भी नहीं स्टक किया, ना जॉब को स्टक किया, और भी काफ़ी तरह ऐसे काम है जिनको मैंने स्टक नहीं किया, बल्कि उस्मान भाई के साथ भी अटैच था, उसके बाद एक दो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ भी मैंने वीडियोज बनाई। तो मतलब आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी, अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एज अ हॉबी करें आपका जो शौक है। यहाँ पे उसमें भी एक और बड़ी प्रॉब्लम है यार, हम लोग जो है वो कैटेगरी कौन सी चूज करें, यहाँ पे काफी सारे जो टेक के चैनल बन रहे हैं उनको एक नफरत नहीं, टेक का टी भी नहीं आता लेकिन वो टेक में आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत देखा था, पहले YouTube पे सीख रहे होते हैं कि YouTube पे चैनल कैसे क्रिएट करना है, जब वो सीख लेते हैं ना कि ऐसे क्रिएट करते हैं, वो फिर वही सिखाने लग जाते हैं कि ऐसे चैनल क्रिएट किया जाता है, तो इस अंदाज में वो बहुत सारे चैनल टेक के रिलेटेड, तो मैंने बहुत सारे चैनल देखे हैं, जो भी बंदा स्टार्ट कर रहा है वो सबसे पहले टेक पे आ रहा है, तो इस तरह
ये है क्योंकि नई चीज लेके आए, पहले जो चल रही है उनको छोड़ें और कोई नई चीज, आपके पास कोई नया टैलेंट है आपके अंदर, उस अंदाज में उस टैलेंट को निखार रहे हैं यूट्यूब पे आके, ऐसे हॉबी लेके चले इसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कमाल की, बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट आ रहे होते हैं उस्मान भाई आप यूट्यूब से अर्निंग के हवाले से वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो उसमें चलो मैं आप राज पाशकारी देता हूँ कि यही वजह हो रही है कि यार जिनको हम मशवरा दे रहे हैं पर्सनली उनके चैनल जब फ्लॉप हो रहे हैं ना, तो हम फिर यही सोचते हैं कि जब हम आगे वीडियो बना देंगे तो फिर जिस जिसका फ्लॉप होगा वो हमें भी फिर नीचे आगे कमेंट कर रहा होगा, तो इसलिए मैंने सोचा है कि बनाऊंगा, लेकिन बस समझ में नहीं आ रहा कि यार इसके फायदे बताऊं नुकसान बताऊं, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ यही देखा जा रहा होता है कि बहुत आसान काम है एक वीडियो शूट करना और डाल देना, जबकि उसके पीछे जितना प्रोसेस होता है ये बहुत लॉन्ग होता है, तो जब फिर चैनल चल जाता है अच्छी तरह फिर वाकई मजा भी आता है, फिर बाद में जाके एक इंसान को अंदर से फीलिंग हो रही है बहुत दिया माशाल्लाह मुझे इतने लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह आपके 23,000 सब्सक्राइबर कल अभी पूरे हो चुके हैं, मैंने देखा था, अभी आपका एम क्या, कितने मंथ आगे लग जाएंगे आपको 1,00,000 अचीव करने में? तकरीबन 6 माह से पहले पहले इंशाल्लाह मैं 6 माह पूरा करूंगा। फाइनली कुछ और भी क्वेश्चन इनसे भी पूछेंगे, यहाँ पे फाइनली खाना आ चुका है और हाजी साहब और उस्मान साहब शुरू हो गए, इन्होंने मुझे पूछा भी नहीं है, तो फाइनली अभी हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद इनसे काफ़ी तरह बातें करनी है मुझे और आपके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे कि ये कैसे वीडियो शूट करते हैं, अभी ये कब अपनी नई वीडियोज डाल रहे हैं, कब ये स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें आप डिस्कस होंगी आज, आप इस ब्लॉग को आगे जरूर देखते रहिएगा। बात करते हैं थोड़ी सी होटल की, तो होटल आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब साफ़ सुथरा ठीक है, और उस्मान भाई आज मुलाकात करने आए हैं मेरे साथ सियालकोट में, और ये दो दिन पहले कराची में रहते, कराची के बाद जो है ये डस्का में अपने घर में गए, डस्का में जाने के बाद आज इनसे मेरी मुलाकात हो पाई है तकरीबन 2 से 3 दिन बाद, तो इंशाल्लाह आगे भी इनसे अब मुलाकात होती रहेगी मेरी। उस्मान भाई से थोड़ा सा पर्सनली क्वेश्चन करते हैं, आप यहाँ पर उस्मान भाई आपकी एज कितनी है? 26 आपकी एज है, आपकी शादी हो गई है? नहीं अभी तो नहीं, मैं बच्चों के पूछने की बात करने लगा था, शादी नहीं है। बहुत सारे दोस्तों का ये होता है कि वो समझ रहे होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा एज का, और मेरे पहले भी शायद आपको पासपोर्ट मिल चुके हैं सब, अभी मैं 26 ही हूँ, अभी मैंने 2015 में अपनी स्टडी कम्प्लीट की थी और उसके बाद बाहर चला गया। नेक्स्ट क्या प्लान आपके, पाकिस्तान में आ गए हैं आप, तो आपके नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान इन पाकिस्तान, आप क्या बिजनेस करेंगे, आपके वीडियोस आप चैनल पर किस लेवल की वीडियोस आएंगी, एक दिन में कितनी वीडियोस अपलोड करेंगे, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, क्योंकि जो हमारे देखने वाले थे चाहने वाले हैं वो भी ये सारा सुनना चाह रहे हैं कि उस मामले वीडियोज़ नहीं जा रहे थे लेकिन अब क्या शेड्यूल है? जी अभी मेरा शेड्यूल है कि अभी इंशाल्लाह मैं वीडियोस डाला करूँगा और 2-3 माह तक इंशाल्लाह मैं प्रॉपरली इसमें काम करूँगा, अभी तो बारिशें हो रही थी इसलिए मैं निकल ना पाया वीडियो शूटिंग के लिए, तो बहरहाल मैं वीडियो शूट करूँगा इस हवाले से, तो 2-3 माह मेरे पास है इसी काम के लिए। सही है। तो ये मैं क्योंकि मैं समझ लें कि अभी फ्री हूँ, अभी क्योंकि आया हूँ ना अभी केनिया से, तो फ्री हूँ मेरे पास टाइम है तो मैं शूटिंग करूँगा। हमने खाना खा लिया और अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं, उस्मान भाई ने थोड़ी सी चीज़ें लेनी है बाजार से और कुछ जो है वो शॉपिंग वगैरह कर भी लिया है, अभी देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके आगे क्या क्या सीन होने वाले। हमारे साथ हाजी साहब हमारे साथ मौजूद है, आज ही हमारे साथ ही रहेंगे, अक्सर ये मेरे साथ ही होते हैं। हाजी साहब कुछ कहना चाहिए आप? वीडियो को कम्प्लीट देखते रहिएगा, देखते हैं कहाँ कहाँ अभी लेके जाते हैं अली भाई। चलो जी, तो हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है और उस्मान भाई भी साथ है, कभी आगे कभी पीछे, और पीछे आई साहब है, आई साहब आज फुल इंजॉय कर रहे हैं, तो इतना इंजॉय आई साहब कह रहे थे कि मैंने कभी भी नहीं किया जितना आज कर रहे हैं, आई साहब इंजॉय उस्मान भाई साथ है इस बार से, तो आगे भी जाएंगे कचहरी, आई साहब छोटा सा काम है कचहरी में, और उसके बाद भी उस्मान भाई में थोड़ी सी शॉपिंग करेगा। आई साहब को थोड़ी सी जल्दी है और मुझे अभी निकलना है, और उस्मान भाई से मिलके बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा लगा। उस्मान भाई आप बताएं आपको मुझे भाई साहब से मिलके कैसा महसूस हुआ? ये बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत खुशी में गुजरा, घूमे फिरे यहाँ पे सियालकोट के शहर के, फिर इंशाल्लाह किस दिन बुला के सुनोगे, फिर मीटअप होगा उस्मान भाई से, और पूरा नहीं आज से काम थे लेकिन एक दिन ऐसा होगा जिसमें हम बिल्कुल फ्री हो गए, बिल्कुल एंजॉय करेंगे, कोशिश करेंगे आगे जो हम करेंगे ना, अभी जो क्या कहते हैं लोगों के साथ जो मुलाकात होगी वो इकट्ठे तो हम लोग कोई ना कोई मुलाकात जो है करेंगे लोगों के साथ, अगर इंटरव्यू जो हो गए हमारे मित्रों से इंक्वायरी तो होगी वो हम लोग इकट्ठे करेंगे कोई ना कोई, इंशाल्लाह जरूर मैं भी साथ हूँ, आप भी होंगे, और इंशाल्लाह खुद
बड़े बड़े बिजनेस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको भी अभी वीडियो शूट की जाए उनके अंदर। हाई साहब से आज आप पहले दिन मिले हैं, हाई साहब से आपकी को लगता है गाय बगाय होती रहेगी, हाई साहब मेरे साथ ही होते हैं। लो जी सुभान भाई, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज।